दोस्तों बता। ये देखिए, मुझे आखिर इसने मुझे काम पे लगा ही दिया। असल सुख, असल जिंदगी गांव में ही है। दोस्तों हेलो हेलो खैर अगर को हेलो। ये अपनी हीरो होंडा तैयार, इसमें हम पानी लेने के लिए जाएंगे। दोस्तों अपना हीरो होंडा एकदम तैयार है। ये है हमारी इस हीरो होंडा की ड्राइवर, और ये हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों, और यहाँ पर मुर्गी और उसके प्यारे प्यारे चूजे। ये देखिए अपना हीरो होंडा तैयार। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक विश्वकर्मा, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आया हूँ अनुपा के गांव तुलसी पाड़ा अपने ससुराल। तो ये है हमारी प्यारी मोटो नानी, हमारी साली नानी है ये, और हम दोनों जो है आज यहाँ पर गांव में, थोड़ा सा पानी की दिक्कत है तो गांव में क्या हुआ करता जैसे पहले के वो दिन फिर से याद ताज़ा करने के लिए, पानी भरने के लिए वहाँ दूर एक पानी की टंकी है, हम वहाँ जा रहे हैं अपने हीरो होंडा को लेके। ये देख सकते हैं आप हीरो होंडा, और हमारे साथ है ये चार ड्रम इसे भरने के लिए, और मैं साथ देने वाला हूँ हमारी सिस्टर इन लॉ साली नानी, मोटो नानी इसका नाम है। नाम बता दो। इसका नाम है पुंटूर, इसको हम प्यार से पुंटूर बुलाते हैं, और मोटो नानी भी बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत मोटी है, और इसका ओरिजिनल नेम है अंजना। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो पर बने रहे, मैं आपको कोशिश करूंगा इस गांव के इस शानदार से व्यू को दिखाने की। और अभी जो है इवनिंग हो चुका है, करीबन 4 बज चुके हैं, शाम का वक्त है, और हम यहाँ गांव आए हुए हैं। हम आज यहाँ पर रहेंगे, कल फिर सुबह वापस चले जाएंगे। तो तब तक क्यों ना थोड़ा यहाँ पर टी गार्डन का नज़ारा ले लिया जाए, टी गार्डन में थोड़ा घूम लिया जाए, यहाँ के लाइफस्टाइल को थोड़ा एक बार देख लिया जाए। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए फिर मिलते हैं आगे। ये आपको दोस्तों नज़ारे दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखो टी गार्डन है, ये तुलसी पाड़ा का टी गार्डन है। हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से पैदल चलते हुए, और ये जो आप देख पा रहे हो ये जो पहाड़ी है भूटान की पहाड़ी है। हम लगभग बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं, बॉर्डर के पास हैं हम। आपको मैं दिखा दूँ, ये जो पहाड़ी है भूटान की पहाड़ी है, देखिए। और ये देख सकते हैं गाय, बहुत सारी गाय हैं यहाँ पे, गाय घास खाती हुई, घास के साथ साथ ये पत्ते भी खा रहे हैं। आज एकदम मुझे वो बचपन के दिन सब याद आ रहे हैं। हम भी कभी ऐसे पानी भरने के लिए दूर टंकी में जाया करते थे पहले, और बड़ा ही शानदार है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अपने सिस्टर इन लोगों को हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन हेल्प तो नहीं हो पा रही, बस मैं वीडियो बनाने में बिजी हूँ। हाँ, व्हाट अ नज़ारे है भाई। ये देखिए दोस्तों, टी गार्डन के बीचों बीच ये लंबी सी, इतनी बड़ी सी टावर जो खड़ी है, ये यहाँ से देख सकते हैं टावर, इधर से इंडिया से कनेक्शन होते हुए भूटान की तरफ जाता हुआ। दोस्तों चलते चलते फाइनली हम इस रास्ते पर पहुंच गए, ये जाता है भूटान के बॉर्डर तुलसी बांध की तरफ।
ये जाता है गांव की तरफ, और ये है हमारा पानी की टंकी का प्लेस जहां हम पानी लेने को जा रहे हैं। दोस्तों हम पानी की टंकी के पास पहुंच चुके हैं लगभग, और ये हमारी मोटो नानी ड्रम्स को निकाल के पानी भरने को तैयार। इन्हें पानी भरती हुई ठीक है, तुम भरो पानी, हम वीडियो बनाएंगे। ये टंकी यहाँ पर होने की वजह से काफ़ी सुविधा है, काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ अगर वहाँ पानी अवेलेबल ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है ज़िंदगी को जीने में। और पानी की सुविधा दे रखी है यहाँ पर टी गार्डन में, कोशिश करा है, टंकी बनाया है, काफ़ी शानदार किया है। पानी की जो लहरें आप देख सकते थे क्या बड़ी जोड़ की थी, अच्छी बात है। घर पे पानी आता है थोड़ा थोड़ा, पाइप से आता है थोड़ा थोड़ा, टाइम टेबल है, ये भी टाइम टेबल है, लेकिन काफ़ी सफिशियंट है पानी। तो दोस्तों ये है अपना गांव तुलसीपाड़ा, अनुपा का गांव, शानदार है जगह। इधर है भूटान। चलिए फिर चलते हैं मोटो नानी का हेल्प करने के लिए, नहीं तो गुस्से से लाल हो जाएगी वो। ये पानी की टंकी का नाम है लाल टंकी, लेकिन यहाँ पर लाल कलर का कुछ है नहीं। अच्छा, इस पुराने वाले को कहते हैं दोस्तों लाल टंकी, ये लाल टंकी के नाम से फेमस है। कितना हार्डवर्क करते हुए दोस्तों, जब तक मोटो नानी पानी भर रही थी तब तक मैं थोड़ा बाहर टंकी से बाहर आ गया, और यहाँ के हरियाली को, यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों को देख, ये शाम के वक्त, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, शाम के वक्त पशु पक्षियाँ चिड़िया वगैरह सब अपने अपने घर लौटते हुए या आसमान में वो उड़ते हुए देखकर बड़ा ही शांति, बड़ा ही सुकून दिल को मिल रहा है। काफ़ी सुकून भरा अभी का ये नज़ारा है यहाँ पर, वाकई में शानदार। सच कहते दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने गांव एक बार लौट जाना, फिर देखना असल सुख, असल ज़िंदगी गांव में ही है। ये है देखिए, मोटो नानी ने पूरा हीरो होंडा में पानी लोड कर लिया है, और हम अब वापस चलते हैं अपने घर। चलिए लाल टंकी को बाय बाय, हम वापस चलते हैं अपने घर। पानी भर के हो गया है पूरा, लगता है ड्राइविंग सीट मेरे को संभालना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, मुझे आखिर इसने मुझे काम पे लगा ही दिया, और ये मैं पानी लेके जा रहा हूँ। इसको चला के नहीं जा सकते, नहीं, ये साइकिल में, ये देख सकते हैं बहुत भारी भारी है वैसे। नहीं ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ। अरे ठीक है, ले जाने तो मुझे भी थोड़ा काम करने का मौका दो, और मैं पुंटूर मोटो नानी के कुछ काम आ सका, बहुत अच्छा लगा। देखिए भारी, बहुत भारी साइकिल है। देखिए यहाँ पर वाकई में यहाँ की लड़कियाँ बहुत मेहनती है, यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी लोग हैं गांव में, सारे लोग बहुत मेहनती हैं। कितना मेहनत करते हैं, इतने दूर आके पानी लेके जाते हैं, है ना, घास लकड़ी। वाकई में ज़िंदगी काफ़ी कठिन है, लेकिन इसमें ही एक मज़ा है, मोटो नानी पानी भरते हुए। दोस्तों गिर गए, बच गया, हेलो। चलो इसे बहुत अनुभव है, लगभग हमारा ये जो पानी है इसमें हमने भर लिया, और हम चले हैं अब वापस अपने घर की ओर। ये हमारा छोटा सा ट्रिप में बनने रहने के लिए। हाँ वाह, सही बात, सही बात दोस्तों, आपने साथ दिया आज के इस छोटे से ट्रिप में, हमारा साथ दिया इस वीडियो पर बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वाकई में गांव में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है। और हाँ, आप वीडियो को देखते हो और ऐसे स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हो,
लेकिन लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाते हो दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट करो यार, थोड़ा बड़ा यूट्यूबर बनाओ, अपने भाई को सपोर्ट करो दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस बार ऐसे मत जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए जगह पे, नए नज़ारे के साथ, नए लोगों के साथ, नए व्लॉग पे। धन्यवाद दोस्तों।